साप मेरे उत्तराखंड में संगठन बनौला दीदी संगठन बनौला संगठन बण के दीदी तू खूनी जी तोला हे दीदी हे हिट बे दीदी सरासर हिट बे बुला सरासर हिट बे दीदी सरासर। कुछ बच्चों को मैंने देखा, अच्छा है, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां हैं और बहुत अच्छी दिशा में बच्चों को आप ले जा रहे हैं। आगे जाकर ये बच्चे काफ़ी क्षेत्रों में अपना नाम कमा सकते हैं और उससे भी ज़्यादा अपना स्वास्थ्य कमा सकते हैं। पहला जीवन है स्वस्थ रहना। आदरणीय मोदी जी ने पूरे विश्व में एक ऐसी देन दी है कि आज पूरा विश्व योगमय हो गया है। केवल हम दीप जलाएं नहीं, बल्कि आप सब मिलकर दीप जलाओ, सब मिलकर दीप जलाओ। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अगर कुछ बड़ी है या बड़ाई है, वो है आपकी सेवा, जो आपके दिलों में निष्ठापूर्वक आप करते हैं। इस भाव से हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखना है। आज साध्वी जी बोल रही थी, कितने बड़े बड़े मकान वहाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले। बोले, मैं जब भारत में आई तो अमेरिका में आई तो इतना सब बड़ा बड़ा था, लेकिन जब यहाँ आई तो मुझे लगा नहीं, बड़ा बड़ा होना जरूरी नहीं है, बढ़िया होना जरूरी है। ये जो भाव है, इस भाव से हम अपने जीवन को जिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उनके इस 50वें जन्मदिवस पर उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। पारमहंस स्वामी जी, आप सभी लोग, सचमुच मुझे लगता है कि यही इससे बढ़िया कोई बर्थडे पार्टी हो नहीं सकते हैं। माँ गंगा का दर्शन करके, पूज्य स्वामी जी का दर्शन करके, उनकी प्रेरणा लेके, ये सारे बच्चे और बच्चे ने मेरा दिल क्यों ऐसे खींच लिया? तो महाराज जी की कृपा से फिर धीरे 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 स्कूल्स खोलने शुरू किया, वुमेन सेंटर्स खोलने शुरू किया। तो इसलिए सब साथ ही साथ, यहाँ शिक्षा तो है ही है, लेकिन शिक्षा के साथ वो संस्कार और वो संस्कृति। तो मैं इतनी धन्यवाद शब्दनीय है पूज्य महाराज जी को और हमारे पूरा टीम को, जो सुबह से रात तक काम कर रहे हैं इसी सेंटर को केवल चलाने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए है। बहुत ही धन्यवाद कि मेरा जन्मदिन पर आप लोग सब आए। सचमुच ये सबसे बढ़िया बर्थडे कि मैं कभी सोच सकती।